Hello, my dear students. A very good morning to all of you children. Uh, welcome to your EVS lecture. Today we are going to complete the question 4 and question 5 of EVS textbook. Okay. First one is that you have to write two names for each of the following animals. You have to write two names. First, you have to write two names of wild animals so can you tell me two names of wild animals mujhe two names of wild animals ke bata sakte ho? elephant yes elephant is a wild animal so children you can write here elephant lion then zebra okay. elephant lion zebra then you can write rhinoceros tiger चिता ओके यू कैन राइट एनी वाइल्ड एनिमल यू कैन राइट एनी नेम्स हियर बट दे शुड बी वो कौन होने चाहिए दे शुड बी वाइल्ड एनिमल्स ओके सेकंड इज़ पेट्स मैंने आपको पढ़ाया था ना पेट के बारे में आपको योर फेवरेट पेट आप कौन सा पेट घर पे रखना चाहोगे वो भी आप लिख सकते हो नेम ओके यू कैन राइड पैरेट यू कैन राइड कैट यू कैन राइट डॉग Hmm? You can write rabbit, you can write goldfish. Okay. So you have to write the names of two pets. Then it is domestic animals. So domestic animals. So children, domestic animals kya hai? Animals that are useful to us are called domestic animals. Right? So in this you can write sheep, cow.

ऐसा नहीं कि जो टेक्स्ट बुक में है वही आपको लिखना है कोई भी टू यू हैव टू राइट बर्ड्स के नेम ठीक है और मैंने आपको ये सारे स्पेलिंग्स न्यू वर्ड्स में भी लिखा है है ना सो यू हैव टू राइट इट बाय योर सेल्फ ना वॉट यू हैव टू डू इज़ योर यू हैव टू अ बटरफ्लाई आपको यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है बटरफ्लाई एंड यू हैव टू कलर इट विल यू ड्रॉ बटरफ्लाई ओके okay. मैम तो ऐसे ही ड्रॉ कर रही है पर आपको अच्छे से करना है ओके यू हैव टू ड्रॉ अ बटरफ्लाई हेयर एंड देन यू हैव टू कलर इट ठीक है तो आप अच्छे से करोगे ना ओके ओके चिल्ड्रन सो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा वी लर्न अबाउट द बिग एनिमल्स देन वी लर्न अबाउट द स्मॉल एनिमल्स देन वी लर्न अबाउट द काइंड ऑफ एनिमल्स दोज आर domestic animal pet and we also learned about the wild animals right. Then we learned about the birds, insects. Insects, insects are very small and they have six legs, right? Then we learned about the animals. Where do they live? They live on land, then water, and also some animals live on land and, and water both.

ठीक है भले ही आप अच्छे से ना कर सको डेट इज़ ओके पर आपको ट्राई तो करना ही होगा ओके सो स्मॉल स्मॉल वर्ड्स रीड करने हैं फिर उसको वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बनता है सो यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग ओके सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन लेट मी नो ठीक है सो यू हैव टू कम्प्लीट दिस वर्क टूडे ओके चिल्ड्रेन सो दैट्स ऑल फोर टूडेज ईवियस लेक्चर थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे